जो वैल्यूज क्या होती है इन वैल्यू से थोड़ा दूर होती है हटकी होती है जैसे मिनिमम वैल्यू आपकी 10 है ओके फिर आपने एक वैल्यू और एड ऑन कर दी आपने मान लो फाइव यहां मिनिमम वैल्यू तो यह यह से भी क्या हो गया और मिनिमम होगी तो ये आउटलायर कंसिडर हो जाएगी ऐसे यहाँ पे सेवेंटी है मैंने यहां पे कर दिया वन तो ये मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा दूर होगी तो इसको भी हम क्या बोलेंगे आउटलायर बोलेंगे फाइन ओके okay. अब नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस बाय यूजिंग एन एग्जांपल यहाँ पे देखो हमारे पास एक्स सीक्वेंस है ओके okay? उसकी वैल्यूज है टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी सर जब आप बॉक्स प्लॉट बनाते हो तो आपकी वैल्यूज क्या होना चाहिए एक ऑर्डर में होने चाहिए राइट right? तो यहाँ पे हमारी सिक्वेंस में ऑलरेडी ऑर्डर में वैल्यूज है ओके okay? तो यहाँ पे देखो जो टेन है वो क्या कंसिडर होगी वो मिनिमम वैल्यू कंसिडर होगी सेवेंटी आपकी मैक्सिमम वैल्यू कंसिडर होगी ओके okay? और मीडियम क्या होती है मीडियम आपकी मिडिल वैल्यू होती है राइट द मिडल वैल्यू ऑफ द डेटा सेट यहाँ पे जो फोर्टी है हमारी वो क्या है मीडियन है फाइन तो मीडियन को क्या कहा जाता है मीडियन को कहा जाता है सेकेंड क्वार्टाइल ओके मीडियम को क्या कहा जाता है सेकंड क्वार्टाइल हमारे पास मिनिमम वैल्यू आ गई मैक्सिमम वैल्यू आ गई और सेकंड क्वार्टाइल आ गया राइट right? अगर मान लो दो वैल्यू आ रही हैं मीडियम में आपकी दो वैल्यूज आ रही है तो उसका मीडियम आप कैसे निकालोगे दोनों को ऐड कर दो कर दोगे दोगे डिवाइडेड बाय राइट अब देखो अब हमें क्या निकालना है निकालना निकालना है निकालना है फर्स्ट क्वार्टाइल क्वार्टाइल एंड सेकंड ओके तो आप क्यू वन कैसे निकालोगे द फर्स्ट क्वार्टाइल इज द मीडियम ऑफ द डेटा वैल्यू टू द लेफ्ट ऑफ द मीडियम तो जो फर्स्ट क्वार्टाइल होता है वो क्या होता है मीडियम मीडियम ऑफ द डेटा वैल्यूज ओके फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द मीडियन मतलब जो हमारा मीडियन निकल चुका है फोर्टी है इसके लेफ्ट में जो वैल्यूज होगी उसका जो मीडियन होगा उसको हम क्या बोलेंगे फर्स्ट क्वार्टाइल बोलेंगे तो मीडियन क्या होता है मिडल वैल्यू तो टेन ट्वेंटी थर्टी यहाँ पे टेन और थर्टी के बीच में क्या है ट्वेंटी तो ये आपका आ गया फर्स्ट क्वार्टाइल समझ आया फर्स्ट क्वार्टाइल कैसे निकलेगा मीडियन के जो लेफ्ट में वैल्यूज है ये वाली मीडियन के जो लेफ्ट में वैल्यूज है ओके okay, उनका जो मीडियन आप निकालोगे मीडियन क्या होता है मिडल वैल्यू तो वो आपका क्या हो गया फर्स्ट ऐसे ही आपका थर्ड क्वार्ट कैसे निकलेगा के जो राइट right में वैल्यूज़ है okay? केवल right okay? उसका उसका तो, okay? तो हमने यहाँ पे फाइव वैल्यूज निकाली हैं मिनिमम वैल्यू फर्स्ट क्वार्टल सेकंड क्वार्टर थर्ड मैक्सिमम वैल्यू अब इसका बॉक्स प्लॉट आप कैसे क्रिएट होता है देखो यहाँ पे जो यहाँ पे है ये जो हमारा न, क्या नाम है ये ये जो लाइन है फर्स्ट ये क्या है हमारी मिनिमम वैल्यू की इसको विस्क भी बोलते हैं ओके देन यहाँ पे देखो क्यू वन सबसे पहले क्या है मीडियम की लाइन यहाँ पे आ जाएगी देखो यहाँ पे मीडियम की लाइन है आपकी क्यू टू क्यू टू है ओके okay. ये वाली लाइन आपकी क्या है दिस विस्क इज फॉर द मिनिमम वैल्यू ओके और यहाँ से ये जो इसको जो कनेक्ट करता है ओके बॉक्स प्लॉट से उसको बोलेंगे बॉटम विस्कर फाइन तो और यहाँ पे क्यू वन की लाइन आ गई है क्यू okay? वन की लाइन है ओके फर्स्ट क्वार्टाइल की लाइन है ओके मीडियन की लाइन है एंड आपकी क्या है थर्ड क्वार्टर की लाइन है फाइन समझ आया देखो ये Q1 वन फर्स्ट क्वार्टर की लाइन है ये सेकेंड क्वार्टर ये सेकेंड क्वार्टर की लाइन है और ये थर्ड क्वार्टर की लाइन है तो इनको ज्वाइन करके ये क्या क्रिएट करता है ये क्रिएट करता है आपका बॉक्स ओके okay? बॉक्स प्लॉट, ओके, और ये विस्कर की हेल्प से आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से अटैच होता है फाइन विस्कर की हेल्प से बॉटम विस्कर एंड ये क्या है आपका टॉप विस्कर ओके okay? अब देखो अब एक हमारे पास वर्ड आता है आई क्यू आर इंटर क्वार्टाइल रेंज आई क्यू आर तो इंटर क्वार्टाइल रेंज आई क्यू आर क्या है आई क्यू आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द अपर एंड द लोअर क्वार्टाइल तो आपका Q1 से लेकर जो Q3 तक का डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं आई क्यू आर इंटर क्वार्टाइल रेंज अब तो वैल्यू okay? uh, या फिर वैल्यू uh, से ज्यादा एड ऑन करते हो तो क्या बन जाएगा यहाँ पे आ जाएगा वो आपका आउटलायर बन जाएगा ओके okay? तो इस तरह से आप, इस तरह से आपका बॉक्स प्लॉट क्या होगा क्रिएट होगा फाइन अब हम इसे क्या करेंगे प्रैक्टिकली करेंगे ओके okay? ओके okay, तो अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है इम्पोर्ट मेट प्लॉट लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना है अब हम सीक्वेंस ले लेते हैं हम वही सीक्वेंस ले लेते हैं जो हमने एग्जांपल में ली थी टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्स एंड सेवेंटी राइट ओके, okay. नाउ आपको सिंपली क्या करना है पीएलटी डॉट बॉक्स प्लॉट फंक्शन का यूज करना है बॉक्स प्लॉट फंक्शन में आपको पास करनी है एक्स की सिक्वेंस राइट एक्स सिक्वेंस को आपने पास कर दिया एंड देन आपको अपने बॉक्स प्लॉट को क्या करना है शो करना है उसके लिए आप शो फंक्शन का यूज करोगे फाइन एग्जीक्यूट दिस तो यहाँ पे आपका बॉक्स प्लॉट आ गया है ये आपकी मिनिमम वैल्यू है टेन ओके okay, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है सेवेंटी राइट ओके ये आपका क्यू वन है ओके दिस इज योर क्यू टू दिस इज योर क्यू टू मीन्स मीडियम दिस इज फर्स्ट आपका क्वार्टाइल ओके सेकेंड क्वार्टाइल एंड दिस इज योर थर्ड क्वार्टर ओके ये आपका बॉक्स प्लॉट यहाँ पे प्लॉट हो गया है फाइन ओके okay, अब यहाँ पे इसकी क्या है ये किस फॉर्म में है रेक्टेंगुलर बॉक्स बो, प्लॉट है आपका राइट अगर आप नोस्ट बॉक्स प्लॉट क्रिएट करना चाहते हो ओके okay? थोड़ा सा इसके अः इसके शेप में मॉडिफिकेशन चाहते हो तो आप क्या यूज कर कर सकते हो आप कौन सा पैरामीटर इसमें पास कर सकते हो आप इसके अंदर नोच पैरामीटर को पास करते हो तो थोड़ा रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा सॉरी ये थोड़ा ट्रेंगुलर फॉर्म में आ जाएगा ओके okay? तो नोच को हम कर देंगे ट्रू राइट right? और बाय डिफॉल्ट नोच क्या होता है फॉल्स होता है राइट right? तो इसको हम कर देते हैं ट्रू फाइन नाउ एग्जीक्यूट दिस ओके okay. अब देखो इसकी शेप में डिफरेंस आ गया है ओके okay? अलग शेप आ गई है ओके नाउ दिस इज नो ब्लॉज बॉक्स प्लॉट ओके नाउ अगर आप चाहते हो क्या करना इसको हॉरिजॉन्टल करना चाहते हो ठीक है बाय डिफॉल्ट ही क्या है वर्टिकल बॉक्स प्लॉट है बट आप ये चाहते हो इस कैसा फॉर्म में है हॉर्जोंटली ये क्रिएट हो तो आप क्या करोगे आप पैरामीटर पास करोगे वर्ट फाइन तो हम यहाँ पे क्या करते हैं नोच को हटा देते हैं अब हम वर्ड पैरामीटर को लेते हैं वर्ड पैरामीटर ओके बाय डिफॉल्ट क्या है word, true है वर्ड ट्रू क्योंकि ये वर्टिकल है ओके okay? ये वर्टिकल है बाय डिफॉल्ट इट इज ट्रू ओके बट हम इसको अब क्या कर देंगे हम इसको कर देंगे फॉल्स राइट ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस सी अब क्या हो गया ये हॉरिजॉन्टल हो गया क्योंकि हमने वर्ट पैरामीटर को पास किया और उसकी वैल्यू दी है फॉल्स राइट और बाय डिफॉल्ट वर्ट जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है ट्रू तो वो क्या होता है वर्टिकली आता है बट यहाँ पे हमने इसको हॉरिजॉन्टल करने के लिए वर्ट पैरामीटर की वैल्यू क्या कर दी है फॉल्स ओके नेक्स्ट अगर आपको क्या करना है अपने बॉक्स प्लॉट की विथ को चेंज करना है तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे पैरामीटर दे सकते हो आप विस ओके डब्ल्यू आई डी टी एच एस हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम कोई भी फ्लॉड वैल्यू ले सकते हैं जैसे मैंने जीरो पॉइंट सेवन दे दी बाय डिफॉल्ट जो विथ होती है वो जीरो पॉइंट फाइव होती है ओके okay, अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे ये हॉइ्रॉनटल आ जाएगा क्योंकि मैंने वर्ड पैरामीटर यहाँ से हटा दिया है फाइन तो यहाँ पे देखो इसकी विथ इंक्रीज होगी पैरामीटर लेबल एल ए बीई एल एस लेबल्स पैरामीटर ओके okay, और जो भी आप लेबल देना चाहते हो वो आप एज लिस्ट उसमें पास कर okay, जैसे मैं यहाँ पे लेबल देना चाहती हूँ okay, तो आपने एजा लिस्ट लेबल्स पैरामीटर के अंदर उसको पास कर दिया है इसको एग्जीक्यूट करेंगे नाउ लुक एट दिस आपके पास क्या आ गया है ये पैरा मीटर आ गया है okay, ओके यहाँ पे आपके पास लेबल आ गया है बॉक्स प्लॉट फाइन ओके okay. नाउ अगर आप क्या करना चाहते हो अपने बॉक्स प्लॉट में कलर देना चाहते हो जो डिफॉल्ट कलर होता है ओके okay? तो आप उसके लिए कौन सा पैरामीटर पास करोगे उसके लिए हम पैरामीटर पास करेंगे पैच पैच अंडरस्कोर आर्टिस्ट टी आई एच टी अंडरस्कोर आर्टिस्ट इक्वल टू ट्रू राइट इसकी वैल्यू आप क्या दोगे ट्रू ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस अब देखो आपके बॉक्स प्लॉट में डिफॉल्ट ब्लू कलर आ गया है ओके ओके नेक्स्ट क्या है अगर आपको मीडियन शो करना है मीन वैल्यू शो करनी है तो आप क्या करोगे उसके लिए आप नेक्स्ट पैरामीटर पास करोगे शो मींस एम ई ए एन एस शो मीन्स ओके मैंने पैच अंडर स्कोर आर्टिस्ट हटा दिया जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे मीन वैल्यू राइट तो शो मीन्स दे दिया ओके okay? एंड इसकी वैल्यू आप दे दोगे ट्रू राइट right. इसकी वैल्यू हमें क्या देनी है ट्रू शो मींस एंड इसकी वैल्यू आप दे दोगे ट्रू सी अब देखो यहां पे आपका मीडियन क्लियरली शो हो रहा है दिस इज योर मीडियन वैल्यू फाइन ओके बाय डिफॉल्ट आपकी शो मीन्स की वैल्यू क्या होती है फॉल्स ओके okay? तो यहाँ पे ऐसा बना नहीं होता मीडियम वैल्यू ऐसे शो नहीं करता एक सिंगल लाइन होती है ओके okay? अगर आप शो मीन्स को ट्रू कर दोगे तो क्या होगा इसको आ, ये आपको सिंबल की फॉर्म में मीन वैल्यू दिखाएगा दिखाएगा भी ओके okay? अब अगर आप चाहते हो कि आपके बॉक्स प्लॉट के साथ आउटलायर्स भी शो

अगर आप क्या चाहते हो आपके जो टॉप विस्कर है ठीक है टॉप विस्कर है वो इससे कनेक्ट हो जाए तो आप क्या करोगे आप पैरामीटर इसके अंदर आउटलायर के साथ कनेक्ट हो जाए तो आप कौन सा पैरामीटर दोगे आप विश पैरामीटर दोगे राइट right? ओके okay. और इसकी हम कोई भी वैल्यू दे देते हैं जैसे मैंने इसके टू पॉइंट फाइव राइट ओके तो ये क्या होगा जो आपका टॉप विस्कर है वो क्या जो ये लाइन है टॉप विस्कर की लाइन है वो आपके इस आउटलायर से कनेक्ट हो जाएगी राइट तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम लोग सी अब यहाँ पे क्या ये अब जो आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या थी वन थर्टी तो ये आपका टॉप विस्कर जो लाइन है वो वन थर्टी से कनेक्ट हो गया मैक्सिमम वैल्यू से ओके okay? जो आपका पैरामीटर विश विश है राइट right? जिससे आप क्या कर रहे हो कनेक्ट कर रहे हो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है वन पॉइंट फाइव ओके ओके okay. नेक्स्ट क्या है अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे आउटलायर का कलर भी चेंज हो जाए और उसका सिंबल भी जो सर्कल आता है ओके okay, वो भी चेंज हो जाए तो वो आप कैसे करोगे यहाँ पे देखो अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आउटलायर आपका कैसा आया आपके फिर वही सेम फॉर्म में आ जाएगा ये हमारा आउटलायर है ठीक है तो मैं अब चाहती हूँ कि इसका कलर चेंज हो जाए इसका सिम्बल चेंज हो जाए तो इसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे एस वाई एम सिम पैरामीटर राइट और इसके अंदर मैंने दे दिया लेटेस्ट पोस्ट मैंने दे दिया जी प्लस राइट जी प्लस दे दिया तो इसका कलर हो जाएगा ग्रीन और और सिंबल क्या हो जाएगा प्लस, राइट? ओके, नाउ इसको करके देखते हैं हम यहाँ पर देखो अब यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये ग्रीन कलर में आ गया और सिंबल हो गया है प्लस बाय ये क्या होता है बी प्लस होता है राइट ओके ब्लू कलर में और प्लस फॉर्म में होता है बाय डिफॉल्ट जो सिम की वैल्यू होती है वो क्या होती है बी प्लस ओके और अगर आप चाहते हो कि आपका आउटलायर क्या हो जाए हाइड हो जाए दिखाई ना दे तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो आप सिम को क्या दोगे ब्लैंक वैल्यू दे दोगे राइट यहाँ पे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया अब देखो आपका आउटलायर यहाँ पे शो नहीं हो रहा है ओके वो हाइड हो चुका है फाइन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बॉक्स प्लॉट की प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे फाइन यहाँ पे मैं सिम पैरामीटर हटा देती हूँ तो उसके लिए आप कौन सा पैरामीटर पास करोगे आप करोगे बॉक्स पास करोगे जो भी आपको प्रॉपर्टी को चेंज करना है जैसे मुझे कलर चेंज करना है बॉक्स प्लॉट का राइट right, मतलब उसकी आउटलाइनिंग का तो मैंने दे दिया रेड फाइन इसको आप एक्जिक्यूट करो यहाँ पर नौ देखो आपका बॉक्स प्लॉट क्या आउटलाइनिंग क्या आ गई है रेड आ गई है राइट ओके अब मुझे कैप मतलब जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है इसका कलर चेंज करना है राइट right? तो मैं नेक्स्ट पैरामीटर क्या दूंगी मैं दूंगी कैप प्रॉप्स ठीक है पी आर ओपीएस प्रॉप्स कैप प्रॉप्स ओके और डिक्ट फंक्शन के अंदर आप इसको पास करोगे डिक्ट के अंदर आप कलर दोगे जैसे मैंने कलर दे दिया सीओ एल ओ आर कलर कलर इसको भी हम रेड ही दे देते हैं या फिर ग्रीन दे दो चलो जो भी देना है आपको ठीक है कैप प्रॉप्स ठीक है ये मैंने किसके लिए दिया है मैंने कैप के लिए और यू कैन से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए फाइन तो यहाँ पे आप देखोगे अब इट्स नॉट क्लियरली विजिबल रेड कर देती हूँ तो शायद आपको दिखाई दे जाए इसको मैं रेड कर देती हूँ ठीक है वैसे ग्रीन आ गया अगर दिखाई दे रहा है तो ठीक है देखो अब रेड आ गया ठीक है तो यहाँ पे क्या मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को हमने क्या दे दिया है रेड कलर दे दिया है ओके अब देखो हमारा बॉटम विस्कर एंड आपका टॉप विस्कर इसको हमने कोई भी कलर नहीं दिया है तो इसको भी हम दे देते हैं तो आप नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करोगे इसको मैं इस तरह कर देती हूँ नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे किसकी विस्कर प्रॉपर्टी ठीक है डब्ल्यू एच आई एस आप वैल्यू -E okay, props, props, okay, dict, दोगे इसको भी हम कलर दे देते हैं सी ओ एलो आर कलर जो विजिबल हो हम इसको दे देते हैं रेड कलर राइट इसको भी हमने विस्कर हमारे रह गए थे बॉटम विस्कर एंड टॉप विस्कर इसको भी हम दे देते हैं रेड कलर सी अब ये कंप्लीट इसकी जो आउटलाइनिंग है वो क्या हो गई है रेड हो गई है ओके okay? ओके okay, अब मुझे क्या करना है एक ही फिगर के अंदर क्या करना है एक और बॉक्स प्लॉट को क्रिएट करना है मल्टीपल बॉक्स प्लॉट क्रिएट कर सकते हो तो मैं यहाँ पे आपको टू बॉक्स प्लॉट क्रिएट करके दिखाती हूँ अब देखो एक चीज करके दिखाती हूँ पहले मैंने सिक्वेंस लिया राइट right? जो मैं फर्स्ट अभी बनाऊंगी वो कैसे बनेगा वो एक के ऊपर एक बनेगा मतलब ओवरलैप करेगा राइट right? बट हम क्या करेंगे फिर नेक्स्ट देखेंगे वो उसको हम साइड बाय साइड बॉक्स प्लॉट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो मैं एक और सिक्वेंस ले लेती हूँ यहाँ पे सिक्सटी ओके okay, नेक्स्ट ले लेती हूँ सेवेंटी एंड नाइन्टी ओके मैंने एक सीक्वेंस और ले ली है राइट right, और यहाँ पे आप ले लो इसको मैं हटा देती हूँ बॉक्स प्लॉट वन और सेम मैं इसको कॉपी कर लेती हूं पेन ओके okay, और इसको कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे ठीक है यहां पे हमने पेस्ट कर दिया अब एक में आपका एक्स सिक्वेंस प्लॉट होगा आप एक में आपका एक्स वन प्लॉट होगा फाइन ओके नाउ एग्जीक्यूट दिस अब देखो यहां पे क्या है आपका ये क्या कर रहा है ओवरलैप कर रहा है फाइन आपका एक्स वन एंड एक्स टू जो बॉक्स प्लॉट बना है वो क्या है एक एक के ऊपर एक है ओवरलैप कर रहा है राइट right? अब हम क्या करेंगे इसको साइड बाय साइड क्रिएट करेंगे ओके okay? तो साइड बाय साइड क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना है एक वेरिएबल ले लेते हैं जैसे हमने ले लिया वाई और इसमें हम डाल देते हैं एज अ लिस्ट ठीक है इस एंड एंड सॉरी हमारे पास दो सीक्वेंस है एक्स एंड एक्स वन राइट एक्स एंड एक्स वन ओके एंड अब यहाँ पे हम इसको हटा देते हैं फाइन इसको हमने डिलीट कर दिया और आपको क्या प्लॉट करना है आपको प्लॉट करना है वाई को तो यहाँ पे हमने क्या दे दिया है हमने वाई को दे दिया है ठीक है और वाई में क्या दिया है वाई में हमने एक्स एंड एक्स वन सिक्वेंस दी है राइट तो अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे सी अब आपके क्या बॉक्स प्लॉट आ गए हैं अलग अलग बॉक्स प्लॉट आ गए हैं जो आपका एक्स बॉक्स प्लॉट है वो ये है ठीक है यहाँ पे वन पे एंड आपका सेकंड है एक्स वन यहाँ पे ओके आप इसको लेबल्स भी दे सकते हो फाइन तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे यहाँ पे आप लेबल्स दे दोगे ओके एल ए बी एल एस लेबल्स फाइन एंड देन आप क्या करोगे आप दे दोगे लिस्ट के फॉर्म में वैल्यूज तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ बॉक्स प्लॉट वन फाइन एंड सेकेंड वैल्यू में दे देती हूं बॉक्स प्लॉट टू ओके लेबल्स पैरामीटर के अंदर फाइन नो एग्जीक्यूट दिस सी अब हमारे पास क्या आ गया है बॉक्स प्लॉट की बॉक्स प्लॉट के लेबल्स भी आ गए हैं फाइन यहाँ पे आपका ये बॉक्स प्लॉट वन है मींस एक्स सीक्वेंस है ये आपका बॉक्स प्लॉट टू है एक्स वन है दिस इज Okay, everyone, if you like my video, please like it, share it, and subscribe my channel. Thank you.